ईशान ने फिर बढ़ाई सभी की मुश्किलें। सब कुछ होने के बावजूद भी बास्केटबॉल जीतने के बाद, सारे इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद, अब ईशान ने रख दी एक ऐसी शर्त जिसमें अब सभी को होने वाली है काफ़ी प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक बार फिर से ईशा उसके साथ खड़ी है। दरअसल आज के एपिसोड गुम है किसी के प्यार में देखने वाले हैं कि सभी जो है वो बेहद परेशान होने वाली है। जिस तरह से यहाँ पर सारी प्लानिंग करते नज़र आ रहा है ईशान, उसे देखकर एक बार फिर से सभी को इस बात का यकीन हो गया है कि आखिर ईशान को प्रॉब्लम क्या है, ईशान क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है जबकि उसने सब कुछ क्लियर कर लिया है। ये सोचकर यहाँ पर शांतनु भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वहीं पर यशवंत को काफ़ी अच्छा लग रहा है जो भी डिसीज़न ईशान ले रहा है। दरअसल आप देखने वाले हैं कि सभी जो है जीत जाती है, सभी बहुत खुश होती है, वो कुछ इस तरह से पूरे ग्राउंड में डांस करती है। काफ़ी अच्छा मोमेंट जो है वो देखने को मिलता है, सभी का एक बहुत ही क्यूट अंदाज देखने को मिलता है जब वो ग्राउंड में डांस कर रही होती है और उसे लगता है कि वो अपनी ड्रीम तक पहुँच चुकी है। लेकिन आपको पता ही है कि सभी का जो ड्रीम है वो इतनी आसानी से कैसे पूरा होने वाला है। तो बस आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है, और सभी इतनी परेशान होने वाली है कि उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, क्योंकि ईशान शर्त ही कुछ ऐसी रखने वाला है। ईशान जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मंगवा रहा है, चलिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन वो फीस के लिए भी बोल रहा है जबकि उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। यहाँ पर ईशान जो सभी है उसके स्कॉलरशिप को भी कैंसिल करता नज़र आ रहा है। ये देखकर यहाँ शांतनु बहुत ज़्यादा परेशान है और शांतनु कह रहा है कि ये चीज़ तो बहुत गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। यहाँ सभी जो है वो कहती है मुझे तो स्कॉलरशिप मिला है, फिर फीस की बात कहाँ से आती है। लेकिन फिर भी यहाँ ईशान जो है वो कहता है कि तुम्हारा एडमिशन जो है वो काफ़ी अलग तरीके से हो रहा है, आम स्टूडेंट्स की तरह हो रहा है, तो ऐसे में तुम्हारे साथ भी आम स्टूडेंट के जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। और कहता है कि आप जाइए और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और साथ ही साथ फ़ीस दोनों ही चीज़ें लेकर आइए। और यहाँ पर ईशान जो है वो अपनी बात पर रिजिड हो जाता है, और उसके साथ साथ यशवंत भी अपनी बात पर रिजिड रहता है, और दोनों मिलकर सभी की चीज़ों को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सभी ने ईशा को फ़ोन किया है। यहाँ ईशा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब कैसे इस चीज़ को ठीक करे। लेकिन फिर भी वो कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक करती हूँ, क्योंकि पैसों का भी इंतज़ाम करना है। अब किस तरह से सभी के पैसों का इंतज़ाम होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरा यहाँ पर जो ईशा है वो भी यही सोच रही है कि ईशान कितनी ज़्यादा नफरत करता है ईशा से, कि वो जो है सभी की ज़िंदगी में भी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एडमिशन तो हो ही जाएगा, एट एनी हाउ सभी जो है वो पहुंच जाएगी सारी चीज़ें लेकर। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।